ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज कंपनी अकाउंट्स डे टू थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। आज कंपनी अकाउंट्स का हम लोग का डे टू है जिसमें हम लोग कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, थ्योरी के हम लोगों ने दो क्लासेस किए हैं। सिंस ये ऑनलाइन क्लासेस है इसलिए आप लोगों को एक पार्ट पार्ट में ही टॉपिक मिलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, आज उसके आगे का थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे इज आवर डे टू क्लासेस। तो भाई सवाल ये है कि शेयर को कैसे कैसे बेच सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, शेयर को बेचने के लिए तीन अलग अलग सिचुएशन है। तीन अलग अलग सिचुएशन में कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है। क्या क्या सिचुएशन है? तो माय डियर स्टूडेंट, शेयर को आप बेच सकते हो। शेयर कैन बी सोल्ड एट अ पार, एट अ प्रीमियम, मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स भेज दिया है, और एट अ डिस्काउंट। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी कंपनी अपने शेयर को पार में बेच सकती है, प्रीमियम में बेच सकती है, और डिस्काउंट में बेच सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक कंपनी अपने शेयर को तीन अलग अलग सिचुएशन में बांट सकते हो। तीन अलग अलग सिचुएशन क्या है? पहला है पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। भाई पार मतलब, पार का मतलब होता है सपोज शेयर का दाम था 10 रुपया और आप 10 रुपया में ही बेच रहे हो, इसको बोलते हैं पार। जब आप 10 का सामान 10 में बेचते हो, इसको हम लोग पार बोलते हैं। जब आप 10 का सामान 20 में बेचते हो, यह होता है प्रीमियम, और जब आप 10 का सामान 5 में बेचते हो, यह होता है डिस्काउंट। माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 सिचुएशंस अंडर व्हिच अ कंपनी कैन इशू द शेयर्स। दैट इज, अ कंपनी कैन इशू द शेयर एट अ पार, अ कंपनी कैन इशू द शेयर एट अ डिस्काउंट, एंड अ कंपनी कैन इशू द शेयर एट अ प्रीमियम। द कंपनी अपने शेयर को पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, तीन अलग अलग परिस्थिति में बेच सकता है। भाई पार मतलब 10 का शेयर 10 में, भाई प्रीमियम मतलब 10 का शेयर 20 में, भाई डिस्काउंट मतलब 10 का शेयर 5 में। तो माय डियर स्टूडेंट, जब 10 का शेयर 10 में बेचेंगे पार, 10 का शेयर 20 में बेचेंगे प्रीमियम, 10 का शेयर 5 में बेचेंगे डिस्काउंट। तो when the company issues the shares at more than face value, जब एक कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा में अपना शेयर बेचता है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? प्रीमियम। जब एक कंपनी अपना फेस वैल्यू के बराबर में शेयर बेचता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हमें बोलते हैं पार। और जब एक कंपनी फेस वैल्यू से कम में शेयर बेचता है, इसको हमें बोलते हैं डिस्काउंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंपनी में बताइए एक कंपनी अपने शेयर को कितने पॉसिबिलिटीज में बेच सकता है, तो माय डियर स्टूडेंट, एक कंपनी के शेयर बेचने के तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज होते हैं। इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एंड इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब आप 10 का शेयर 10 में बेचते हो पार, 10 का शेयर 12 में बेचते हो प्रीमियम, और 10 का शेयर 8 में बेचते हो डिस्काउंट। जब आप कंपनी अकाउंट्स के सम्स बनाओगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा इश्यू ऑफ शेयर एट पार, तो आप समझ जाना हम क्या बोल रहे हैं, 10 का शेयर 10 में बेचना। मैं बोलूंगा इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, तो आप समझ जाना मैं बोल रहा हूं 10 का शेयर 8 में बेचने का बात हो। और अगर मैं कहता हूं कि इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो आप समझ जाना कि 10 का शेयर 12 में बेचेंगे। माय डियर स्टूडेंट, बच्चे लोग गलती क्या करते हैं ना, बच्चे लोग जब कंपनी अकाउंट्स का सम्स बनाना स्टार्ट करते हैं, बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, ये सारे टर्म्स को समझे बिना बस सम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब आप सम्स बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, डायरेक्टली आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, आपके मन में बहुत सारे सवाल रहेंगे कि भाई पार क्या होता होगा, भाई प्रीमियम क्या होता होगा, भाई डिस्काउंट क्या होता होगा, भाई शेयर कैसे बेचते होंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो मैंने दिया था डे 1, आज हम लोग का डे 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, डे 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी, आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट डे में पूरा हमारा जर्नल एंट्रीज गर्दा उड़ा देंगे। तो जल्दी से बता दीजिए, एक कंपनी अपने शेयर को तीन अलग अलग सिचुएशन में शेयर बेच सकता है। एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम, एक होता है डिस्काउंट। पार मतलब 10 का शेयर 10 में बेचना, प्रीमियम मतलब 10 का शेयर 12 में बेचना, डिस्काउंट मतलब 10 का शेयर 8 में बेचना। अब मैंने अपने नोट्स को में जो लिखा है वो मैं आपको बोलता हूं। इश्यू ऑफ शेयर एट पार, तो माय डियर स्टूडेंट, इश्यू ऑफ शेयर एट पार का मतलब होता है व्हेन द इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू आर सेम। माय डियर स्टूडेंट, जब इश्यू प्राइस, व्हेन द इश्यू प्राइस एंड फेस वैल्यू आर सेम, जब किसी भी शेयर का फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस दोनों सेम होता है, उसको बोलते हैं पार। When the issue price, मतलब issue price मतलब जितना आप बेच रहे हो, और face value मतलब जितना उसका दाम है, तो when the issue price is more than face value, जैसे मान लीजिए issue price है 12 रुपये और face value 10 रुपया, तो 2 रुपया क्या हो गया आपको? प्रीमियम। माय डियर स्टूडेंट, issue price मतलब कितना में आप बेच रहे हो, face value मतलब कितना में आपको बेचना चाहिए था। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर 10 का शेयर 10 में बेचते हैं पार, 10 का शेयर 12 में प्रीमियम, 10 का शेयर 8 में डिस्काउंट, अब अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, कोई एग्जाम में तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू डिफाइन, माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर एट पार मतलब व्हेन यू सेल योर शेयर्स एंड व्हेन द फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस बोथ आर सेम, दैट इज पार।
when the issue price is more than face value, that is premium, and when the issue price is less than face value, that is discount. So my dear student, three alag alag situation: par, premium, discount. Jaldi boliye, par, premium, discount. I hope you are getting my point. उसके बाद अगला पॉइंट क्या है बच्चे, अगला पॉइंट हम लोग क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, when the issue price is more than face value, premium. When the issue price is less than face value, discount. And when the issue price is equal to face value, that is par. तो my dear student, there are three situations generating: par, premium, discount. Par में 10 का शेयर 10 में, premium मतलब 10 का शेयर 12 में, और discount मतलब 10 का शेयर 8 में. तो my dear student, par, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये तीन अलग अलग परिस्थितियां, ये तीन अलग अलग सिचुएशंस यहां पर जनरेट हो जाते हैं. चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे. ये तो बात हो गया. अब देखिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का आपसे पूछा जाएगा कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का सेक्शन कौन सा है. तो माय डियर स्टूडेंट, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का सेक्शन है 52, और इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का सेक्शन है 53. बट आपको भी खुशी का बात बताते हैं, तो जब हम लोग सवाल बताना शुरू करेंगे तो तीन अलग अलग सिचुएशन आएंगे: इशू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, और इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट. बट माय डियर स्टूडेंट, खुशी का बात यह है कि इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट आपको पढ़ना नहीं है. क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी अपना शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकता. बजाओ ताली, जल्दी बजाओ, गुड न्यूज है भाई. आप सोचो, जब हम लोग पढ़ाई करते थे कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, हम लोगों को पार वाला सेंस पढ़ना पड़ता था, प्रीमियम वाला सेंस पढ़ना पड़ता था, डिस्काउंट वाला सेंस पढ़ना पड़ता था. और आप कितने लकी हो भाई, आपको पार वाले सेंस पढ़ रहे हैं, आपको प्रीमियम वाले सेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको डिस्काउंट वाले सेंस नहीं पढ़ना है. क्योंकि सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी अपना शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेचेगा. एक कंपनी अपना शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकता है. इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्काउंट वाला सम्स नहीं करेंगे. डिस्काउंट वाला सम्स आपके सिलेबस में नहीं है. अब पता है आपको, बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं कि डिस्काउंट वाले सम्स सिलेबस में है या नहीं, बेचारा डिस्काउंट वाला सम्स बना देगा. माय डियर स्टूडेंट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन नॉट सेल द शेयर्स एट अ डिस्काउंट. सो सेलिंग द शेयर्स एट अ डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड. सो हम लोग डिस्काउंट में शेयर को नहीं बेचेंगे. अगला क्या है देखिए बाबू, अगला टॉपिक. तो ये टॉपिक समझ गया, एक कंपनी अपने शेयर को तीन तरह से बेच सकता है: पार, प्रीमियम, डिस्काउंट. अगला टॉपिक है बाबू थ्योरी है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, मैंने 50,000 शेयर बेचा, मैंने इशू कितना शेयर किया 50,000, और एप्लीकेशन आ गया 80,000 का. तो इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कितना शेयर बेचा 50,000, एप्लीकेशन कितना आ गया 80,000. तो ये जो एक्स्ट्रा 30,000 का जो एप्लीकेशन आ गया ना, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. व्हेन द शेयर्स इश्यूड इज लेस देन शेयर्स अप्लाइड, मैंने जितना इशू किया वो कम था और जितना एप्लीकेशन आया वो ज्यादा था. हमने 50,000 बेचा था, 80,000 लोग आ गए हमारे पास शेयर खरीदने के लिए, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन. एंड अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, मैंने 50,000 शेयर बेचा था और सिर्फ 30,000 लोगों ने शेयर खरीदा, तो 20,000 हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन. तो माय डियर स्टूडेंट, जितना मैंने शेयर बेचा है, या तो उससे ज्यादा बिकेगा, या तो उतना बिकेगा, या उससे कम बिकेगा. मैंने 50,000 शेयर बेचा और 50,000 ही लोगों ने खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मैंने 50,000 बेचा और 80,000 लोगों ने खरीद लिया, 30,000 ओवर सब्सक्रिप्शन. मैंने 50,000 बेचा और सिर्फ 30,000 लोगों ने खरीदा, अंडर सब्सक्रिप्शन. तो ओवर सब्सक्रिप्शन इज द सिचुएशन व्हेन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड आर मोर देन शेयर्स इशूड, हमने जितना शेयर इशू किया था उससे ज्यादा एप्लीकेशन हमको एक्सेप्ट किया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. And it is a situation under subscription में, when application accepted a less than shares issued, जितना आपने बेचा है उससे कम application आया under subscription, और जितना आपने बेचा है उससे ज्यादा application आया over subscription. ठीक है बच्चों, चलिए अगला point मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगला theoretical part पढ़ाता हूँ. तो over subscription भी पढ़ लिया, under subscription भी पढ़ लिया, theory से एकदम theoretical part हमको complete कर लेते हैं. अगला है, my dear student, जब आपको हम share का sums बनाना सिखाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है. एक शेयर का दाम 10 रुपए है, तो कंपनी वाला क्या करता है कि ये 10 रुपया भी एक बार में कंपनी नहीं लेता है, अलग अलग स्टेजेस में ब्रेक करके लेता है. इस स्टेजेस का भी एक नाम है, कंपनी इस 10 रुपया को अलग अलग स्टेजेस में ब्रेक कर देता है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं एप्लीकेशन. क्या बोलते हैं आपको? एप्लीकेशन. सेकेंड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं अलॉटमेंट. थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल.
हम लोग बोलते हैं सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। आप लोगों के सिलेबस में जो विजिबल कॉल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों में बेसिकली इस तरह के ही सम्स आते हैं, चार स्टेजेस तक सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कंपनी को 10 रुपया चाहिए एक शेयर का, और कंपनी उस 10 रुपया को भी अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। जो पहला स्टेज है उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सेकेंड स्टेज को अलॉटमेंट, थर्ड स्टेज को फर्स्ट कॉल, और फोर्थ स्टेज को सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है बाबू, देखिए वही नोट्स में लिखा हुआ है। अभी दो सिचुएशन में आपको और पढ़ाऊंगा और मेरा थियोरेटिकल डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो दो सिचुएशन क्या क्या देखिए। अभी अगला सिचुएशन है भाई, फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाता हूं फिर सब्स में जाऊंगा। फोर फीचर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कंपनी बोला कंपनी को 10 रुपया चाहिए, फर्स्ट एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया। कंपनी चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पहला इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। मान लीजिए आप पहला 2 रुपया दे दिए हमको, अच्छा बात है। आप 3 रुपया भी हमको दे दिए, अच्छा बात है। 3 2 कितना हो गया? 5। फिर आप 3 रुपया भी हमको दे दिए, 5 3 कितना हो गया? 8। लेकिन ये 2 रुपया देने के टाइम में हम आपको कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल किए जा रहे, आप पैसा नहीं दे रहे हो। हम मांग रहे पैसा, आप पैसा दे नहीं रहे हो। हम मांग रहे हैं पैसा, आप पैसा दे नहीं रहे हो। अब लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? हम आपका राइट को कैंसिल कर देंगे, हम आपका शेयर आपसे छीन लेंगे, हम आपके अधिकार को खत्म कर देंगे। इसको बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर फीचर एक ऐसा सिचुएशन है जब कोई शेयर होल्डर अपना ड्यू अमाउंट पे नहीं करता है, जब कोई शेयर होल्डर अपना ड्यू अमाउंट पे नहीं करता है तो कंपनी उसको बार बार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, नोटिस पे नोटिस कंपनी देता है। फिर भी अगर वो अपना ड्यू अमाउंट क्लियर नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर देता है। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर देता है, और जो पैसा उससे हमको मिला था वो पैसा भी आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा। मतलब कंपनी आपका राइट भी खत्म कर देगा, कंपनी आपका अधिकार भी खत्म कर देगा, एंड 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 कंपनी को जो आप 8 रुपया दे चुके हो वो 8 रुपया भी कंपनी रख लेगा। तो फॉरफीचर एक ऐसा सिचुएशन है व्हेन द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आर कैंसिल्ड एंड द मनी रिसीव फ्रॉम देम सो फार इज ऑल्सो नॉट रिटर्न्ड। आपका अधिकार तो खत्म होगा ही, प्लस आपने जो पैसे मुझे दिए हैं वो पैसा भी मैं आपको लौटाऊंगा नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस सिचुएशन को बोलते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। शेयर को जब्त करना, शेयर को कैंसिल करना। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी देन द शेयर्स आर कैंसिल्ड एंड द मनी रिसीव्ड फ्रॉम देम सो फार इज नॉट रिटर्न्ड। दिस इज नोन एज फॉर फीचर। माय डियर स्टूडेंट, वर्ड टू वर्ड क्लियर है यहां पे। लास्ट पॉइंट आज के लिए थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट, फिर हम लोग सम्स में चले जाएंगे। ये दोनों थ्योरी क्लास आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट क्लास सम्स वाला समझ आएगा। अगला है रीइशू। रीइशू मतलब अभी जो हम क्या बोले, शेयर को कैंसिल कर देंगे। तो जिस आदमी का शेयर को हम लोग कैंसिल किए वही शेयर को जब हम लोग बेचते हैं किसी और को, उसको बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स। रीइशू शेयर मतलब सेलिंग द शेयर्स फॉर द सेकंड टाइम, इसीलिए इसका नाम क्या है? रीइशू। रीइशू मतलब सेलिंग द शेयर्स फॉर द सेकंड टाइम। जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल आपको बेचा, आपने मुझे कहा था कि 500 रुपया में बेचा, आपने कहा था कि भैया 200, 100, 100 और 100 करके हम पैसा आपको दे देंगे। आप हमको 200 दे दिए, आप हमको 100 दे दिए, आप हमको 100 दे दिए, आप हमको 400 दे दिए, ये 100 रुपया आपका बाकी है। हम आपको बार बार बोल रहे कि भाई मेरा पैसा दे, भाई मेरा पैसा दे, भाई मेरा पैसा दे, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। हम आपके पास जाएंगे, ये मोबाइल आपसे छीन के लेके आ जाएंगे, और जो 400 रुपया आपने मुझे दिया था वो पैसा भी हम आपको वापस नहीं करेंगे। ये हो गया फॉर फीचर करना, मतलब आपका राइट भी कैंसिल कर देगा और आपका पैसा भी वापस नहीं होगा। ये हो गया फॉर फीचर। लेकिन वो जो मोबाइल हम आपसे छीन करके लाएंगे, वो मोबाइल को रख के तो फायदा नहीं है, उसको तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बेचेंगे। जब वही मोबाइल किसी और को हम बेचेंगे, ये हो गया रीइशू ऑफ शेयर्स। क्या गया वो? रीइशू। रीइशू मतलब सेलिंग द शेयर्स सो फॉरफिटेड। जो शेयर्स हमने फॉरफिट किया है वही शेयर्स को जब हम सेकंड टाइम बेचते हैं, इसको बोलते हैं रीइशू ऑफ शेयर्स। क्या होता है वो? रीइशू ऑफ शेयर्स। देखिए लिखा हुआ, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, when shares forfeited are sold for the second time, this is known as reissue of shares. तो my dear student, ये दोनों class पूरा आपका theory हो गया, तो पूरा theory question exam में company account से यही सब theory question भरे हुए रहेंगे आपके paper में। तो बढ़िया से इसको reading कर लीजिएगा, next class में ये सब theory के बदौलत sums भी हम लोग करेंगे और यही सब theory question exams में भी आपका आएगा। Thank you so much बच्चे लोग।